का गठबंधन था, 24 में नहीं। अभी आपको क्या लगता है, जो आपको लगता है उन्हें चलाइए। गुरुवार की सुबह तक उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में जो दरार पड़ने की खबर सामने आ रही थी, उस पर दोपहर होते होते सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद मुहर लगा दी है। बुधवार को अपना दल कमेरा वादी की अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने यूपी की 3 सीटें फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो उसके कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की एक नई लिस्ट आई, जिसमें मिर्जापुर का भी नाम शामिल है। और उसके अगले दिन अखिलेश यादव ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया कि उनसे गठबंधन 2022 तक था, 2024 में नहीं। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। अभी आपको क्या लगता है, जो आपको लगता है उन्हें चलाइए। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। अभी आपको क्या लगता है, जो आपको लगता है उन्हें चलाइए। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरा वादी का अब कोई गठबंधन नहीं है। 2022 के चुनाव तक ही गठबंधन था, 2024 में कोई गठबंधन नहीं है। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। अभी आपको क्या लगता है, जो आपको लगता है उन्हें चलाइए। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। अभी आपको क्या लगता है, जो आपको लगता है उन्हें चलाइए। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में जिन ओबीसी नेताओं ने अखिलेश यादव के लिए माहौल बनाया था, वो सब धीरे धीरे अखिलेश यादव से दूर हो चुके हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, धर्म सिंह सैनी हो या फिर ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह। ऐसे तमाम नेता अखिलेश यादव का साथ छोड़ चुके हैं। वहीं राजनीतिक दलों की अगर बात करें, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, जयंत की आरएलडी और अब पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी से भी रिश्ता सपा का खत्म हो चुका है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो अखिलेश यादव के साथ ही एक एक करके उनका साथ छोड़ रहे हैं या फिर खुद अखिलेश उनसे संबंध विच्छेद कर रहे हैं। सबसे पहले 2022 चुनाव के तुरंत बाद ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को अलविदा कहा और अपना गठबंधन तोड़ लिया। वहीं अभी कुछ ही दिनों पहले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी सपा से अपना गठबंधन तोड़ लिया था और बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के साथ हो लिए। और अब गुरुवार को खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी से गठबंधन खत्म होने का ऐलान कर दिया। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में सिवाय कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के साथ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। TV9 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।